तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो कोल इंडिया लिमिटेड का है पेपर टू का स्पेशली मैकेनिकल ब्रांच का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। कौन कौन से टॉपिक, आपको सारे के सारे टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वही फाइनली सीआईएल में आने वाला है। गेट का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है टेक्निकल का, लेकिन सीआईएल का बहुत छोटा सा सिलेबस है, आपको वही पढ़ना है। तो देखिए, पहले आपकी जो सब्जेक्ट आएगी वो आएगी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैं इस वीडियो में सारी सब्जेक्ट्स लिखूंगा जो आपकी आने वाली हैं, और नेक्स्ट वीडियो में उन सब्जेक्ट पर एक एक वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो दूसरी जो सब्जेक्ट आएगी वो आपकी आएगी मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस आपकी जो गेट में आती है वही पूरा सिलेबस है, मैं एक एक वीडियो एक एक सब्जेक्ट पर बनाऊंगा। तीसरा आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगा, उसके बाद आपका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग होगा मैं, और फिफ्थ नंबर पे आपका मेट्रोलॉजी होगा। मैं सब्जेक्ट्स लिख रहा हूँ कौन कौन सी सब्जेक्ट आएंगी और कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़नी है वो भी मैं बताऊँगा। सिक्स नंबर पे आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स होगी, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद आपको पंप स्पेशली पढ़ना है, और हाइड्रोलिक टर्बाइंस मतलब कि हाइड्रोलिक जो टरबाइन जो गेट में आता था उतना आपको नहीं पढ़ना, बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, लेकिन पंप का आपको पूरा पढ़ना है। मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको सारे के सारे टॉपिक। सेवन पे आपका आता है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि सीआईएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आठ नंबर पर आपकी आएगी थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग का मतलब मैं इसमें आप थर्मोडाइनमिक्स, इसमें आप थर्मोडाइनामिक्स, पावर प्लांट और आईसी और आरएसी, ये चारों के चारों सब्जेक्ट्स में आपको पढ़नी है। मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट नॉट स्टडी, इसमें आपको कौन सी सब्जेक्ट आपको फालतू में नहीं पढ़नी है। देखिए, थ्योरी ऑफ मशीन का एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इसलिए थ्योरी ऑफ मशीन को पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको मशीन डिज़ाइन को भी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपकी जो हीट ट्रांसफ़र है उसको पढ़ना है, बट इतना लेवल इतना डीप में नहीं पढ़ना है। कुल मिला के मैं इस जो वीडियो सीरीज़ होगी उसमें सारी सारी सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, मतलब कि मैं इसमें नौ आठ वीडियो बनाऊंगा हर सब्जेक्ट के ऊपर एक एक, और मेरी वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं होगी, 30 मिनट्स रखूँगा, और जो कि सीआईएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू, एंड अगली वीडियोज़ के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।